हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स का तीसरा सेट लेकर उपस्थित हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया और चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो ये है नाइजीरिया, उसके बाद भारत का नंबर आता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रगति ऐप निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 2018 राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का विषय क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज वाला, दूसरा फूड स्टैटिक्स, तीसरा स्टैटिक्स ऑन चेंज और चौथा ऑप्शन है क्वालिटी इंश्योरेंस इन ऑफिशियल स्टैटिक्स। तो इसका आंसर होगा क्वालिटी इंश्योरेंस इन ऑफिशियल स्टैटिक्स, संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 ICC महिला विश्व T20 की मेजबानी करने वाला कौन सा देश है? तो ये देश है वेस्ट इंडीज। भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, चारों ऑप्शन में वेस्ट इंडीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन ने भारत से निम्नलिखित आयातों में से किस पर शून्य तक शुल्क कटौती की घोषणा की है? सोयाबीन, फार्मास्यूटिकल्स, गेहूं, इनमें से कोई नहीं। तो चीन ने भारत से निम्नलिखित आयातों में से किस पर शून्य तक शुल्क की कटौती की घोषणा की है? आंसर होगा सोयाबीन पे। दवा दुर्व्यवहार और अवैध तस्करी 2018 के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो हियर फर्स्ट वाला ऑप्शन, टेक फर्स्ट दूसरा ऑप्शन, लिसन फर्स्ट और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो दवा दुर्व्यवहार और अवैध तस्करी 2018 के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय है लिसन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी ग्रैंड प्रिक्स 2018 में जीत दर्ज की है? ऑप्शन ए सेबेस्टियन वेटल, बी फेलिप मासा, सी लुइस हैमिल्टन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है सी लुइस हैमिल्टन ने फ्रांसीसी ग्रैंड प्रिक्स 2018 में जीत दर्ज की है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज कार को चलाते हैं। मात्र 12 साल 10 माह और 13 दिन की आयु में दुनिया के दूसरे सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर बनकर इतिहास किसने रचा? आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी एम कुमार, सी आर माधवन, इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन ए। नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर खिताब जीता, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो गोला फेंक, भाला फेंक, चक्का फेंक, दौड़। तो ये भाला फेंक से संबंधित खिलाड़ी हैं, ऑप्शन बी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चीन ने किस देश के साथ तिब्बत को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन का निर्माण किया है? भारत, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल? तो नेपाल के साथ ही इन्होंने, चीन ने किया है रेलवे लाइन का निर्माण। ठीक है, धन्यवाद।